Let's start with my brief introduction. I am basically a freelancer, and my skill, my main skill is writing. I do content writing and copywriting. That's my main skill. Besides that, I do content creation for myself mainly for now. एक दो क्लाइंट्स के लिए भी मैंने काम किया, बट आई एम नॉट डूइंग दैट फॉर लाइक फॉर कंपनीज और मे बी फॉर स्टार्टअप्स. दैट्स ऑन एन इनिशियल फेज राइट नाउ. तो मैंने स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने उसको थोड़ा थोड़ा पेव आउट करके और अपस्किल करने के बाद मैंने उसको कॉन्टेंट क्रिएशन की तरफ लाई, और उसके साथ साथ फिर मैंने अपनी टीम बना ली. तो आई ऑन अ स्मॉल टीम ऑफ 6-7 मेंबर्स फिलहाल. तो मैं उनको ट्रेन कर रही हूँ, वो मेरे साथ काम करें. तो इस तरह से आई एम लाइक एसिंग इन फ्रीलांसिंग. एसिंग इस तरह से कह सकते हैं, लाइक प्रीवियसली कुछ मंथ्स पहले ही बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे, स्पेशली जो कॉन्टेंट राइटिंग में आना चाह रहे थे. दे वर थिंकिंग कि हम राइटिंग को फ्रीलांसिंग में परस्यू करें, लेकिन क्योंकि ए आई जो स्पेशली चैट जीपीटी ने लाइक इट ओवरकेम एवरी थिंग. ऐसे लग रहा था जब स्टार्ट में चैट जीपीटी की हर कोई पोस्ट बना रहा था. आई यूज टू ओपन लिंक्डइन और हर तरफ बस चैट जीपीटी की पोस्ट होती थी. मुझे खुद देख के बड़ा अलार्मिंग सा लग रहा होता था कि वॉट इज दिस, वॉट इज गोइंग टू हैपन नाउ. अगर चैट जीपीटी ही सब कुछ करने लग जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे. लेकिन बाय द टाइम लोगों ने उसको भी एक्सप्लोर किया, सब ने एक्सप्लोर किया एट द एंड ऑफ क्लाइंट एज वेल एज एट द एंड ऑफ फ्रीलांसर और मे बी एम्प्लॉयर यू कैन से. तो सब ने उसको एक्सप्लोर किया एंड नाउ क्लाइंट्स ऑल्सो नो कि उसको किस तरह से यूज करना है और कहाँ पे ह्यूमन रिप्लेस नहीं कर सकता उसको. एंड फ्रीलांसर्स आल्सो नो कि कहाँ पे हमने उसको लेवरेज करना है और कहाँ पे हमने उसको बीट करना है. दे नो बोथ ऑफ दीज थिंग्स. तो आज का हमारा मास्टर क्लास का क्योंकि मेन टॉपिक ही यही है कि हमने किस तरह से एआई को साथ साथ लेके चलना है, बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू ओवरटेक फ्रीलांस राइटिंग और मे बी यू कैन से राइटिंग इन जनरल. इट इज नॉट गोइंग टू ओवरटेक. तो हमने ये देखना है कि हम इसको किस तरह से अडेप्ट करके वी कैन एक्सेल इन फ्रीलांसिंग और इवन इफ यू आर इवन इफ यू आर बुक राइटर और लाइक ऑथर, हाउ कैन यू लेवरेज दैट और हाउ कैन यू लेवरेज चैट जीपीटी स्पेशली. अच्छा, स्टार्टिंग विद हाउ freelancing, maybe how writing can be improved using ChatGPT. मैं आप लोगों के साथ अभी share करूंगी एक, मैंने सब कुछ open किया हुआ है लेकिन ये slide open कैसे होगा. Okay, perfect. अच्छा मैंने अपना क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत लिमिटेड सा है तो मैंने दो चीज़ें मेनली फोकस की हैं जिनको मैं शेयर करना चाहूँगी. उनसे आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से आप चैट जीपीटी को यूज़ करके कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं जो कि आप एग्जैक्टली यूज़ भी कर सकें, दैट यू कैन यूज़ फॉर योर नॉट फॉर योर क्लाइंट्स एंटायरली. अगर आपको क्लाइंट नहीं परमिशन दे रहा, स्पेशली अगर उसने ब्लॉग्स को या वेबसाइट कॉन्टेंट को पब्लिश करना है वेबसाइट पे and he has not allowed you to use AI related or AI related tools, so you can't go with AI 100%. Lekin aap kahin na kahin phir bhi you can take help from AI. Ab I have created this landing page content for you all. Let me share. Okay, ab I have created this landing page for you all. जो चैट जीपीटी है ना, चैट जीपीटी इज ट्रेंड एआई टूल, बट इट वर्क्स ऑन योर प्रॉम्प्ट्स. जितना बेहतर आपका प्रॉम्प्ट होगा उतना बेहतर एआई रिलेटेड टूल्स होते हैं उनका रिजल्ट होता है, स्पेशली चैट जीपीटी का. दिस ओपन एआई टूल वर्क्स टोटली अपॉन योर प्रॉम्प्ट्स. तो आप जितना ज्यादा उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे अपने आउटकम से रिलेटेड और वट एवर द रिजल्ट यू आर लुकिंग फॉर, आप उसके बारे में इसको जितना बेहतर गाइड कर सकेंगे आपको उतना अच्छा रिजल्ट देगा. अब मैंने अपना फॉर एग्जाम्पल आई एम मेकिंग माई ऑन लैंडिंग पेज, ठीक है. अब आई नीड कॉन्टेंट फॉर दैट. अगर मैं खुद कॉन्टेंट लिखने बैठूँ इट्स गोइंग टू टेक सो मच ऑफ माई टाइम और हो सकता है कि
फॉर ब्रेन स्टॉर्मिंग एज वेल आई वुड नीड सो मच ऑफ ऑर्स, मुझे इतना ज्यादा टाइम लग जाएगा सोचने में कि किस तरह के वर्ड यूज करूँ और मे बी किस तरह का फ्रेमवर्क मुझे यूज करना चाहिए, राइट? तो हम लोगों ने करना ये है कि हमने चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट्स देने हैं, प्रॉम्प्ट्स देने हैं, हमने कोशिश करनी है हम जितनी चीजें मैक्सिमम अपने बिजनेस रिलेटेड बता सकते हैं हम उसको बताएं. अब मैंने अपना क्रिएट करना था लैंडिंग पेज, तो आई हैव रिटन हियर आई एम क्रिएटिंग अ लैंडिंग पेज, कैन यू हेल्प मी विद इट्स कॉन्टेंट, लेट मी गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन, माई लैंडिंग पेज इज टारगेटेड टू द क्लाइंट्स हु आर लुकिंग फॉर अ कॉपी राइटर बिकॉज आई एम अ कॉपी राइटर राइट फॉर देयर बिजनेस. My services include social media ghost writing, website content writing. First, let me know which frame would suit my landing page the most. I wanted to ask कि मुझे कौन सा framework अपने landing page के लिए use करना चाहिए, ठीक है? उसके बाद सबसे पहले पहले मैंने basic idea लेना था कि मुझे framework कौन सा use करना चाहिए. It has given me this framework. सबसे पहले पहले headline होनी चाहिए, headline और tagline जो आपके ऊपर ऊपर सबसे टॉप पे डिस्प्ले हो रही होती है आपके लैंडिंग पेज पर. उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन आ गया, आपके सर्विसेज के बारे में एक इंट्रोडक्शन आ गया. उसने मुझे अभी फ्रेमवर्क दिया कि आपने इस तरह करके इसको स्ट्रक्चराइज कर लेना है, ठीक है? फिर मैंने उसे कहा, मैंने उसे नेक्स्ट प्रॉम्प्ट दिया कि कैन यू राइट लैंडिंग पेज कॉन्टेंट कीपिंग इन व्यू ऑल दीज इंस्ट्रक्शन दैट यू हैव गिवन मी. अब मैं क्योंकि कॉन्टेंट उसी से लिखवाना चाह रही थी, मैंने उसको ये प्रॉम्प्ट दिया, ठीक है? उसके बाद उसने कहा, उसने ये मुझे देखें headline the unlock the power of persuasive words for your business which is so amazing, like bahut achhi tagline likhi hui hai. uske baad maine ye sara padha aur mujhe bahut acha laga. agar hum ek do yahan se pad bhi le hum ye wala padhte hain, theek hai? ab mera pain point kya hai, hum dekhte hain ki kya yahan isne cover kiya hai pain point ko. ab isne kaha hai are you struggling to find the time and resources to create compelling copy that resonates with your target audience? Is writing engaging content becoming a daunting task? Don't worry. I understand the challenges you face crafting persuasive copy that captivates readers and compels them to take action requires a unique set of skills and expertise. So this is amazing. बहुत अच्छा. Time का pain point यही है ना कि उसके पास time नहीं है और उसके engaging content नहीं लिखा जा रहा जो कि उसकी audience के साथ relate कर सके और उसको target कर सके, right? तो हमारे पास ये पेन पॉइंट था और चैट जीपीटी ने बड़ा अच्छे से इसे टारगेट कर दिया. अब ये वाला जो मैंने सारा पढ़ा ना, तो मुझे इस चीज में ना सिर्फ थोड़ी सी फन और थोड़ी सी क्रिएटिविटी की कमी लगी. आई फेल्ट लाइक कि यहाँ पे थोड़ा सा स्टोरी टेलिंग हो सकती थी, थोड़ा इसको फन बनाया जा सकता था. मैंने इसको नेक्स्ट प्रॉम्प्ट दिया, मैंने इसे कहा कैन यू मेक इट फन विद स्टोरी टेलिंग एंड क्रिएटिविटी एंड दिस इज द आउटकम. अब आप लोग ये देखें, unless the magic of words transform your business story. So this is amazing. बहुत अच्छी tagline लिखी उसने, ठीक है? उसके बाद हम अगेन यही वाला paragraph पढ़ लेते हैं ताकि हमें difference पता चल जाए. इसने कहा ये वाला खैर मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा अगर हम उसी में थोड़े से changes कर ले तो ज्यादा अच्छा था. इसने इस तरह से लिखा कि once upon a time in a land not so far away, business owners like you struggled to find the right words to connect with their audience. They spent hours lost in a sea of uninspiring content, desperately seeking a way to stand out in the crowd. ठीक है? But fear not, for their tale took a delightful turn when they discovered the secret ingredient, a master storyteller armed with a keyboard and a sprinkle of magic. Last वाली line बहुत अच्छी है, ये वाली lines बहुत अच्छी हैं, ठीक है? लेकिन ये start वाली line once upon a time की ये वाली ये phrase बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा. हम इसको obviously हम थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकते हैं, वी कैन डू दैट. हम अगर कोई वर्ड्स को रिप्लेस करना चाह रहे हैं या फिर हम उसको एसईओ के लिए कि अगर मैं यहाँ पे देखूं कि मेरे टारगेटेड जो कीवर्ड्स हैं वो वेबसाइट कॉपी राइटिंग है या फिर वेबसाइट घोस्ट राइटिंग है तो वो यहाँ पे नहीं है, तो आई कैन एड दैट इसमें ताकि ये एसईओ बेस्ड हो जाए. इसको मैं थोड़ा बहुत चेंज कर सकती हूँ, विच इज फेयरली पॉसिबल. अब आपका बहुत सारा टाइम बच गया, आपने फ्रेमवर्क भी देख लिया, आपको बच गया. इवन अगर इफ यू डोंट नो your targeted clients pain points, like you don't have any idea or maybe aap apne client ke liye kaam kar rahe hain and you don't know his targeted audience aur aapko nahi pata chal raha ki main kaun se pain points uske target karu, kis tarah ke uske triggering points honge, to for that as well aap ek trial landing page content yahan se generate kare. beshak aap isko pura follow mat kare, it is up to you baad mein ki aapko kitna usme se lena hai aur kitna aapne usko reject karna hai. लेकिन आप बहुत सारे आइडियाज लेने के लिए यहाँ से पूरा लैंडिंग पेज जनरेट करें और उसके बाद आप इसको फिल्टर आउट कर लें.
ठीक है, उसके बाद ये साइज जब हम पढ़ते नहीं है ये बहुत लंबा हो जाएगा, इसके बाद मैंने उससे कहा कि कैन यू राइट इन इट यूजिंग एडा फ्रेमवर्क। अब मैंने उसको फ्रेमवर्क खुद दे दिया कि मुझे इस फ्रेमवर्क में अटेंशन इंटरेस्ट डिजायर और एक्शन के फ्रेमवर्क में मुझे इसी लैंडिंग पेज का कॉन्टेंट प्रोवाइड करे, तो उसने मुझे ये लिख कर दिया। अब हम इसमें से कोई एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। उसने इंटरेस्ट, अब हम इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट में उसने लिखा, इमेजिन अ वर्ल्ड वेयर योर वर्ड्स हैव द एबिलिटी टू कैप्टिवेट, पर्सुएड एंड एन्चेंट योर ऑडियंस। अब उसका हम ऑडियंस का इंटरेस्ट डेवलप करवा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हम उसके पेन पॉइंट्स को टच करेंगे तभी वो उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा कि हाँ दिस इज समथिंग दे वेयर आई नीड माय लाइक सर्विसेज टू, आई नीड देयर सर्विसेज। ओके, we specialize in transforming your business story into a mesmerizing narrative that leaves a lasting impact. So ye bhi bahut acha likha hua hai yahan pe, sara uska interest grab kiya hai ki kis tarah se usko uske kaun se pain points hai ya phir kaun si aisi cheez hai jisme wo interested hai. Ab ho sakta hai aap jab client ke liye likh rahe ho to aapko ye sari cheeze na pata ho, aapko pata na chal raha ho ki kaun se uske interest hai aur kaun se uske desire kya ho sakti hai. To aap usko ek idea lene ke liye, general idea lene ke liye aap ChatGPT se content generate kar sakte hain. Uske baad aa gaya, now maine usko phir ek next prompt diya. Maine socha ki main ek aur framework mein isi ko likh ke deti hu, dusre framework mein try karti hu, ho sakta hai usme zyada behtar aa jaye. Phir maine isko past framework mein try kiya, usme isne mujhe is tarah ka content diya. Maine ye wala nahi padha tha pehle, लेकिन इसको हम पढ़ लेते हैं, इसके प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। आर यू स्ट्रगलिंग टू क्राफ्ट कंपेलिंग कॉपी दैट ग्रैब्स योर ऑडियंस अटेंशन एंड ड्राइव्स रिजल्ट्स? डू यू फाइंड योरसेल्फ लॉस्ट इन अ सी ऑफ मीडियोकर कंटेंट व्हिच इज सो ग्रेट? ये वाली लाइन बहुत अच्छी है। अनेबल टू स्टैंड आउट फ्रॉम द कॉम्पिटिशन, वी अंडरस्टैंड दैट द चैलेंजेस यू फेस एज अ बिजनेस ओनर व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिंग पर्सुएसिव एंड कैप्टिवेटिंग कॉपी। ठीक है, अब ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है। अब द पॉइंट इज, आप टोटली ए आई बेस्ड कॉन्टेंट तो नहीं लिख सकते, आप ये नहीं हो सकता कि आप सारा का सारा इसको कॉपी पेस्ट कर लें। बट वॉट यू कैन डू इज आप यहाँ से कुछ लाइन्स लें, जैसे मुझे फर्स्ट वाला जो इसने लिख के दिया, मुझे आउटकम दिया, आई लाइक वन पैराग्राफ, मैं उसमें से कोई एक पैराग्राफ या फिर टू और थ्री लाइन्स फ्रॉम वन पैराग्राफ मैं उसको ले लूँ, उसको कंबाइन करूँ मैं अपने ही कुछ लाइन्स के साथ, मैं उसको एड एक्सपैंड खुद कर दूँ, तो इट वुड बी ह्यूमन बेस्ड एज वेल। उसमें मैं कहीं कहीं जाऊँ, मुझे लगता है कि मैं नेचुरली कीवर्ड्स को टारगेट कर सकती हूँ, मैं वहां पे अपने कीवर्ड्स को एम्बेड कर सकती हूँ, राइट? तो हम इस तरह से करके इसकी बहुत सारी हेल्प ले सकते हैं। बिलीव मी, जब मैंने कॉपी राइटिंग स्टार्ट की थी तो मुझे फ्रेमवर्क की बहुत मुश्किल हो रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था, और मुझे अक्सर ना पेन पॉइंट्स की समझ नहीं आ रही होती थी कि अगर क्लाइंट के लिए काम कर रही है, तो अगर मैं टेक रिलेटेड कंपनी के लिए काम कर रही हूँ तो मुझे उसके पेन पॉइंट्स एग्जैक्टली नहीं बताऊंगे ऑब्वियसली, क्योंकि मेरा उधर से बैकग्राउंड नहीं है, आई हैव नॉट बीन देयर एज ही हैज बीन देयर। तो मुझे उन चीजों को जानने के लिए बहुत हेल्प हुई, मैं यहाँ से सर्च करके मुझे एटलीस्ट आइडिया हो जाता था कि हाँ इस तरह की टारगेटेड ऑडियंस है और इस तरह से उनको टारगेट किया जा सकता है। अब इसके अलावा आप वैसे तो यही फ्रेमवर्क इसी तरह या इसी तरह से प्रॉम्प्ट लेके आप जो भी जनरेट करना चाहें वो कर सकते हैं। मैंने जो रिसेंट मोस्ट रिसेंट जो मैंने काम किया है चैट जीपीटी की हेल्प लेकर, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी, मैं उसको शेयर करती हूँ। अच्छा, आई वॉज वर्किंग विद अ क्लाइंट और मैं उसके इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को मैनेज कर रही थी। बेसिकली मैं उसके लिए कॉन्टेंट क्रिएट भी कर रही थी और कॉन्टेंट लिख भी रही थी, बोथ ऑफ द थिंग्स, मैं डिजाइन भी कर रही थी, लिख भी रही थी, पोस्ट भी कर रही थी। इट वॉज लाइक सोशल मीडिया मैनेजमेंट का जो रोल था मेरा वो था मैनेजर का, ठीक है। अब उसमें मैंने सोशल मीडिया कैप्शन लिखने में मुझे इतना टाइम लग रहा था, बहुत ज्यादा, मैंने स्टार्ट के एक दो लिखे मुझे बहुत टाइम लग रहा था उसमें, एंड ही वॉज नॉट पेइंग मी दैट मच कि मैं उसमें इतना टाइम इन्वेस्ट करूं कि अगर मुझे एक एक छोटा सा कैप्शन लिखने के लिए ही मुझे 2 से 3 घंटे लग रहे हैं तो इट वॉज नॉट वर्थ द मनी और वर्थ द एफर्ट। तो मैंने उसको चैट जीपीटी ट्राई किया और आई लव द आउटकम। मैंने सारे के सारे, अब ये इतनी लंबी कॉन्वर्सेशन है ना, क्योंकि मैंने सारे के सारे थ्रू आउट द मंथ जितने भी कैप्शन जनरेट किए मैंने सारे के सारे यहीं से दिए। अब मैं आपको कोई प्रॉम्प्ट दिखाती हूँ जिसमें मैंने ज्यादा इन्फॉर्मेशन इसको प्रोवाइड किया। मैंने स्टार्ट में इसे सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी और इसने मुझे उस इन्फॉर्मेशन के बाद कॉन्टेंट बहुत अच्छा दिया, मैंने जो इसे प्रॉम्प्ट दिए थे, ठीक है। अब मैंने इसको जो फर्स्ट दिया था वो ये था। अब मैंने इसको लिखा कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट पोस्टिंग ऑन इन फेसबुक ग्रुप दैट इज फॉर माई बिजनेस। इसका बिजनेस का मैंने वेबसाइट का लिंक दिया,
मैंने कहा नाउ द पर्पस इज टू पिच ब्लॉग्स एंड प्रोडक्ट्स इन द फेसबुक ग्रुप पोस्ट, कैन यू हेल्प मी राइट फन एंड एंगेजिंग फेसबुक पोस्ट. उसके बाद इसने पहले तो मुझे ऐसे रैंडम कुछ लिख के दिए, फिर मैंने इसको थोड़ा सा स्पेसिफाई करने के लिए इसको मैंने ब्लॉग का टाइटल दिया. ब्लॉग का टाइटल ये था कैन ट्विंस बी डिफरेंट इन कलर्स, ठीक है. अब मैंने इससे रिलेटेड इसने मुझे बहुत सारा डाटा दे दिया, बहुत लेंथी कैप्शन दिया. मैंने इससे कहा कि आई एम राइटिंग एन एफपी ग्रुप पोस्ट अबाउट दिस ब्लॉग, ठीक है. और मैंने इसे फिर ये ब्लॉग का लिंक भी दे दिया जो उस ब्लॉग का लिंक था, ठीक है. ये मजीद जितनी ज्यादा मैं इन्फॉर्मेशन देती रही इट गॉट स्पेसिफाइड टू व्हाट आई नीडेड. उसके बाद इतने अच्छे रिजल्ट्स आने लगे, यहाँ तक थोड़े से रिजल्ट्स जो थे वो अच्छे नहीं आ रहे थे. मैंने इसको बहुत अच्छे अच्छे प्रॉम्प्ट्स देना शुरू कर दिया. मैं इसे मजीद बताती गई कि मुझे इस तरह चाहिए, इस तरह चाहिए. फिर मैंने एक और लिखना था इसके बारे में, कैन यू राइट अ वेरी फन टू रीड एंड एंगेजिंग इंस्टाग्राम कैप्शन रिगार्डिंग द ब्लॉग. इसको मैंने ब्लॉग दिया साथ में, मैनेजिंग प्रेगनेंसी स्ट्रेस, ये ब्लॉग था. इसने मुझे इतना अच्छा कैप्शन लिख के दिया यहाँ पे, मतलब बहुत शॉर्ट सा कैप्शन. उसके बाद अगर मुझे हैशटैग्स की समझ नहीं आ रही थी किसी पोस्ट में कि मैं इस पोस्ट में कौन से हैशटैग्स डालूं, वो बहुत टाइम लग रहा था. अगर मैं टूल से जाके जनरेट करी थी उसमें भी टाइम लग रहा था. तो वो टाइम बचाने के लिए आई डिड इट ऑल थ्रू हेयर. और इसके बाद ये इंस्टाग्राम का पेज था, सिर्फ मैंने अप्रैल में इसमें काम किया. दिस इज द प्रोग्रेस ऑफ द मंथ ऑफ अप्रैल लास्ट मंथ में, ठीक है. ये वाली पोस्ट सिर्फ मेरी जनरेटेड नहीं है, ये क्लाइंट ने खुद डाली. इसके अलावा ये सारी पोस्ट मैंने डिजाइन की एक थीम बनाकर, कलर्स वगैरह डिसाइड करके, सारे ब्रांड से रिलेटेड. और मैंने इनका सारा सोशल मीडिया के जितने कैप्शन थे मैंने यहाँ से जनरेट किए. उसके बाद मैंने हार्डली कोई कैप्शन खुद लिखे होंगे, मैंने खुद नहीं लिखे थे सारे के सारे, ठीक है. और ऐसा नहीं है कि उसके बाद रीच का कोई इश्यू आ रहा हो या फिर उस पर इतने अच्छे व्यूज नहीं आ रहे या एंगेजमेंट नहीं आ रहे, क्योंकि जो अकाउंट्स थे दोनों वो बिल्कुल डेड थे. स्टार्ट में हमने कुछ जो है वो एड्स भी लगाई फेसबुक पर भी, इंस्टा पर भी, बिकॉज इट वॉज डेड. दे बोथ ऑफ द मीडियम्स पर डेड. यहाँ इनको बिल्कुल स्टार्ट करना था तो मैंने इनको स्टार्ट किया और जितना आउटकम आना चाहिए था उतना ही आउटकम आया, जैसे नॉर्मली आ सकता था. अगर मैं खुद भी कॉन्टेंट लिखती तो आई डोंट थिंक सो इससे ज्यादा आउटकम आना था. तो इसके कोई बहुत थोड़े से फॉलोअर्स थे, लाइक आई थिंक 430 फॉलोअर्स थे. तो वन मंथ में 430 मजीद इंक्रीज हो गए, 430 या 400 इस तरह से. तो इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस, मेरा पर्सनली बहुत एक्सपीरियंस रहा इसके साथ. अब हमने करना ये होता है कि हमारे पास, अब आपके पास चैट जीपीटी की जब एक्सेस है एंड यू कैन यूटिलाइज दैट. और इवन अगर मुझे एक और चीज याद आ गई, आई कैन शेयर दैट एज वेल. मैंने कुछ दिनों पहले ही एक्सप्लोर किया कि अगर आप सिर्फ AI बेस्ड कंटेंट भी लिखना चाहते हैं, लाइक यू वांट टू प्ले विद AI टूल्स ओनली, आप उसका, या फिर इवन अगर आप सिर्फ चैट जीपीटी का ही कोर्स करना चाहती हैं, आप चाहते हैं कि मुझे सिर्फ चैट जीपीटी रिलेटेड कंटेंट लिखना है, यू कैन प्रोवाइड योर सर्विस फॉर दैट स्पेसिफिक सर्विस एज वेल. लाइक आप वो काम भी कर सकते हैं स्पेसिफिकली, लाजमी नहीं है कि आपने लाजमी नहीं होता कि आपने खुद ही लिख के कॉन्टेंट करना है. क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा फाइवर में आके, और यहाँ पे AI सर्विसेज का पूरा एक सेक्शन है AI से रिलेटेड. एक मिनट. ओके, सो AI सर्विसेज का पूरा एक सेक्शन है, उसमें AI कंटेंट का भी सेक्शन है. आई डोंट नो ये इतना स्लो क्यों है, बाकी सब सही चल रहा है. अच्छा हम वैसे बात कर लेते हैं. इसमें देखें ये AI कंटेंट एडिटिंग, फैक्ट चेकिंग, ये बाकी सारे तो चलो हम लोगों से राइटर्स से रिलेटेड नहीं है बाकी सारे के सारे ये वाले, लेकिन यहाँ पे AI का पूरा एक सेक्शन है. इट मींस कि इफ यू वांट टू प्ले विद AI टूल्स ओनली, आप ये भी कर सकते हैं. ये नहीं है, देखें AI म्यूजिक वीडियोज, मतलब इतनी सारी सर्विसेज है. अगर हम इसको भी ओपन करें फैक्ट चेकिंग को, तो ये इसकी अभी ये इमर्जिंग फील्ड है. लाइक 573 इसमें सर्विसेज हैं सिर्फ, लेकिन देर इज अ चांस कि अगर आपकी गिग जो है वो बहुत अच्छी बनी हुई है तो यू कैन गेट ऑर्डर्स. अगर आपकी गिग अच्छी बनी हुई है और वो फर्स्ट पेज पे आ भी जाएगी डेफिनेटली, क्योंकि 573 ही सर्विसेज है, तो यू कैन गो विद दैट. आप एटलीस्ट मार्केट को एक्सप्लोर कर लेंगे और आपको एक एक्सपोजर मिल जाएगा. हो सकता है आप इसी को इतना अच्छा, आपकी इतनी अच्छी कमांड हो जाए दैट यू टेक दिस स्पेसिफिक सर्विस ऑन अ लॉन्गर टर्म. तो इट इज वेरी बेनिफिशियल, इट इज इमर्जिंग. आप इसको यूज करें, अगर कोई बहुत इंटरेस्टेड है सिर्फ इसी में रह के यूज करें, दैट्स वेरी हेल्पफुल. अब एक दो चीजें और
हैं जो कि मैं शेयर करती हूँ. साथ साथ मैं देख लेती हूँ किसी के मैसेजेस. अच्छा, आप लोगों ने क्वेश्चंस किए हुए हैं, हम क्वेश्चंस को बाद में देख लेंगे क्योंकि अभी क्वेश्चंस को हम नहीं लेते, क्वेश्चंस को हम बाद में देख लेंगे. अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं. ठीक है. अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि आपने अपना जो है एआई को तो आपने लेके चलना ही चलना है, साथ में आपका जो पोर्टफोलियो है दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब मेरी जितनी भी मैंने अपनी प्रीवियस मार्शल क्लास भी की उसमें मैंने जितनी चीजें शेयर की दैट वर माय ओन एक्सपीरियंसेस, मैंने ऐसा कुछ भी शेयर नहीं किया. इवन मुझसे कुछ लोगों ने कुछ ऐसे क्वेश्चंस किए जो कि मैं आंसर कर सकती थी, लेकिन मेरा उनसे पर्सनल एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं था तो मैंने उनको नहीं किया आंसर. फॉर एग्जाम्पल, मेरा कोल्ड पिचिंग और कोल्ड ईमेलिंग के साथ एक्सपोजर नहीं है तो मैंने नहीं किया. लेकिन दिस इज अ ट्राइड एंड टेस्टेड थिंग कि मैं अपना मेरा पोर्टफोलियो, मैंने कोई एज सच कोई अपनी वेबसाइट नहीं बनाई, अभी तक मेरी कोई वेबसाइट नहीं बनाई हुई है. लेकिन मैंने जब जब से लिंक स्टार आया, आई थिंक इट वॉज इन इट्स इनिशियल फेजेस, तब से मैंने लिंक स्टार पे अपना पहले मैंने बेसिक प्लान लिया हुआ था, फिर उसके बाद मैंने प्रो पे शिफ्ट किया एंड आई मेड माई लैंडिंग पेज थ्रू लिंक स्टार. तो हुआ यू के मैंने लिंक स्टार के थ्रू, लिंक स्टार के साथ भी और लिंक स्टार के थ्रू मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए. इवन लिंक स्टार के थ्रू मैंने अपर के भी दो आई थिंक तीन प्रोजेक्ट्स किए जिसमें से मुझे एक प्रपोजल मिल गया जिसमें मैंने प्रपोजल में पिच किया था अपने लैंडिंग पेज को और मैंने सोचा वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी. तो मैंने फाइवर का, आई एम नॉट कंफर्म अबाउट फाइवर कि आप फाइवर पे लिंक स्टार का लिंक ऐड कर सकते हैं या नहीं. वैसे वहां पे इतनी जरूरत भी नहीं पड़ती बिकॉज क्लाइंट्स वुड रीच आउट टू यू डायरेक्टली, आपको खुद अब बाय रिक्वेस्ट वाला सीन नहीं है तो यू आर नॉट गोइंग टू सबमिट प्रपोजल्स, राइट. तो लेकिन आपको क्योंकि अपर का पिच करना होता है, आपने अपने अपने प्रपोजल को जितना बेहतर बना सकते हैं बनाना होता है, तो आप वहां पे लिंक स्टार के लैंडिंग पेज से अपना पोर्टफोलियो दिखाने के लिए बहुत अच्छे से उसको पेच कर सकते हैं. अब मैंने किया ये कि मैंने एक जॉब पे अप्लाई किया और मैंने उसमें, इससे पहले भी मैंने दो दफा किया था और मुझे दोनों के रिस्पॉन्सेज आए थे. अब मैंने एक जॉब पे अप्लाई किया, मैंने उसमें अपने लिंक स्टार का लैंडिंग पेज डाला और क्लाइंट ने स्पेसिफिकली मेरे लैंडिंग पेज से रिलेटेड मुझे फर्स्ट मैसेज में ही कॉमेंट किया, विच वॉज सो स्वीट. और मतलब मुझे बहुत इंप्रेसिव लगा कि इतना मतलब आप इजीली कुछ मिनट्स के अंदर, और मे बी एटलीस्ट आपको मतलब आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता लिंक स्टार का एक बेसिक लैंडिंग पेज क्रिएट करने में, आपको कुछ मिनट्स लगेंगे या मैक्सिमम आपको एक घंटा लग जाएगा. तो आप आराम से उस पर अपना पोर्टफोलियो जनरेट करके और उससे क्लाइंट को इम्प्रेस कर सकते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यू नीड टू स्टैंड आउट. आपका आपके पास इतना ज्यादा क्राउड है मार्केट में, डिजिटल मार्केट में इतनी सैचुरेशन है, यू फील लाइक कि आप इनसे बहुत पीछे हैं. व्हेनेवर यू ट्राई टू कम और स्टेप फॉरवर्ड, आपको लगता है कि नहीं, यू आर समवेयर फार बिहाइंड. तो आप किस तरह से इसको ओवरकम करेंगे, ठीक है. तो आपने कुछ इस तरह की चीजें करनी होती हैं विच मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर, विच इज यूनिक अबाउट यू, लाइक योर राइटिंग स्टाइल विच इज अ वेरी प्रोफेशनल थिंग एज वेल एज विच इज वेरी यूनिक. लेकिन प्रपोजल में हमें कुछ इस तरह की चीजें डालनी होती हैं जो हमें टोटली डिफरेंट करेंगे दूसरे बंदे से. अब बहुत सारी प्रपोजल्स इस तरह होते हैं जो अपने पोर्टफोलियोज ऐड नहीं करते, दे डोंट ऐड देयर पोर्टफोलियो और सैंपल इमेजेस. अगर करते भी हैं तो मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स ऐड कर देते हैं विच इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ क्लाइंट कि वो उनको डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करके सारे पढ़े, वेरी वेरी डिफिकल्ट. तो हम उसके लिए बहुत अच्छा सोल्यूशन है, मैंने ये कवर लेटर लिखा, दिस वॉज द जॉब. मैं थोड़ी सी पढ़ लेती हूँ, बहुत लंबे सा डिस्क्रिप्शन था. अब ये बेसिकली दिस इज द सेम क्लाइंट जिसके लिए मैं ये वाले फेसबुक पेजेस और इंस्टा भी मैनेज कर रही थी. इसी जॉब पोस्ट के बाद मुझे उसने इस पर भी प्रमोट कर दिया था सोशल मीडिया मैनेजर के लिए, ठीक है. तो इसका ब्लॉग था, उसके लिए ब्लॉग्स लिखने थे, ठीक है. इसने सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स दी हुई थी, इसको बहुत फन एंड इंगेजिंग कॉन्टेंट चाहिए था और मैंने इसको ये वाला कवर लेटर लिखा. और मैंने ये आई थिंक रात के 2 बजे लिखा था, इट वॉज मिड नाइट और काफी लेट टाइम था और मैंने इसको ये प्रपोजल सबमिट किया. और मैंने लिखा, आई एम करंटली वर्किंग ऑन एन ईबुक फॉर अ क्लाइंट हु रन्स अ बिजनेस सिमिलर टू योर्स, दैट इज व्हाई आई एम अटैचिंग फर्स्ट पेज ऑफ द ईबुक दैट आई हैव रिटन फॉर हर. यू कैन हैव अ लुक एट इट टू गेट एन आइडिया अबाउट माय राइटिंग स्टाइल एंड क्वालिटी ऑफ कंटेंट, ठीक है. द ईबुक इज ऑन द की न्यूट्रिएंट्स टू एनहांस इम्प्लांटेशन. तो मैंने इसको ना सबसे पहले मैंने एक डिफरेंट चीज ऐड की विच अदर्स वुड नॉट ऐड. मुझे ऐसे लग रहा था उस टाइम कि हर कोई ये चीज नहीं ऐड करेगा,
मैं बहुत रेलिवेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी और वो अभी तक मैंने प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया था, विच वॉज लाइक नॉट फेयर कि मैं उस क्लाइंट का प्रोजेक्ट इसके साथ थोड़ा सा शेयर कर रही थी, लेकिन क्योंकि वो अभी फाइनल ड्राफ्ट नहीं था, वो अभी चल रहा था उस पर काम, तो आई थॉट कि मैं उसके साथ शेयर कर देती हूँ सिर्फ एक पेज. मैंने उसके साथ फर्स्ट पेज शेयर किया उसका, और मैंने दूसरी चीज में उसको अपना रेट पिच किया. उसके बाद मैंने उसको यहाँ पे आई एम रेडी टू स्टार्ट, उसने ये भी मेंशन किया हुआ था कि मुझे अभी अभी किसी को हायर करना है, लाइक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर समवन हु कैन जॉइन राइट अवे. तो मैंने उस चीज को भी टारगेट किया. फिर मैंने उसे एंड पे थोड़ा सा फंड डालने के लिए मैंने कहा आई फॉरगॉट टू टेल यू आई एम अ डायटिशियन बाय प्रोफेशन एंड अ राइटर बाय चॉइस, लाइक लेट्स टॉक इन डिटेल्स हूम. फिर मैंने पीएस माय लैंडिंग पेज, अब मैंने इसको इस तरह से किया. उसके फौरन बाद ही विद इन दैट सेम मिनट मुझे रिप्लाई आया था. Let me share that reply with you. Okay, ये वाला मेरा था, ठीक है. इसको मैंने 2:23 पे ही exactly मैंने message किया था. Here you can see the time. और 2:23 AM पे ही मुझे उसका message आया था. Like within that minute उसने मुझे reply किया. उसने मुझे सबसे पहले पहले कहा कि I love your style. Also your fashion game is strong. अब उसने मेरी fashion game कहाँ से देखी? He didn't know me personally. उसने मुझे कहीं नहीं देखा हुआ था. He checked my landing page. और जिसकी वजह से उसने ये कहा कि आई लव योर स्टाइल एंड योर फैशन गेम इज स्ट्रॉन्ग. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कुछ ऐसा करो कि आप क्लाइंट्स आपको खुद भी देख सके कि आप कितने डिफरेंट हैं लोगों से. हर कोई प्रोफेशनल प्रपोजल्स देखता है. वट आई फील इज अब इस टाइम पे इफ योर कॉन्टेंट इज फन बेस्ड एंड क्रिएटिव एनफ के अगला बंदा अगर उसको पढ़ लेता है that, तो सो दैट ही कैन रिमेम्बर यू फॉर अ लॉन्ग टाइम. उसको आप याद रहेंगे कि हाँ उस बंदे ने कोई बंदा था जिसने इस तरह का लिखा था और वो आपको याद रखेगा. देन यू कैन सर्वाइव एज अ राइटर. लेकिन अगर आप सिर्फ एक फॉर्मल कॉन्टेंट और वो प्रोफेशनल के चक्रों में बहुत प्रोफेशनल प्रपोजल सबमिट कर रहे हैं एंड यू आर नॉट एडिंग एनी ह्यूमर और एनी क्रिएटिविटी और मे बी स्टोरी टेलिंग, तो आप बहुत अच्छे तक नहीं चल पाते. आप बहुत सारी चीजों में लैक कर जाते हैं. तो आपके लिए बड़ा जरूरी होता है कि आप स्टोरी टेलिंग को और फन कंटेंट को अलोंग विद शोकेसिंग योर पोर्टफोलियो आप उसको लेके चलें. मैं अपना लिंकस्टार का आप लोगों से पेज शेयर कर देती हूँ. लिंकस्टार मैंने मुझे लॉग इन करना भूल गया था. अच्छा उसको मैं कर लेती हूँ. उसको भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ. मैं खुद हैरान थी देख के कि मुझे इतने सारे लोगों ने वहां से मेरे प्रोफाइल को या फिर मेरे जो काम है उसको देखा है. वहां बहुत ज्यादा नंबर हैं, क्लिक्स भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन व्यूज बहुत ज्यादा हैं. और मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए. ये देखिए 4,367 तो इतने सारे मतलब व्यूज हैं. उसके बाद 1,816 टोटल क्लिक्स हैं. दैट इज ह्यूज. मुझे नहीं पता बाकी लोगों का किस तरह का स्टैट्स है, लेकिन मेरे इसके स्टैट्स बहुत अच्छे हैं, विच मेक्स मी लाइक सो एम्पावर्ड. मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैंने वैसे हर जगह अपना यही लैंडिंग पेज शेयर किया हुआ है. आई शेयर विद माई क्लाइंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. जहाँ पे भी उन्होंने कहीं पे मुझे मेरा जब भी वेन एवर समवन आस्क्स अबाउट माई पोर्टफोलियो या फिर मेरे सैम्पल्स, मैं उनसे डायरेक्टली यही शेयर करती हूँ. अब मैं बजाय इसके कि मैं डॉक्यूमेंट शेयर करूँ, बहुत कम ऐसा होता है दैट आई शेयर माई डॉक्यूमेंट विद पीपल. तो उसके बाद यहाँ पे और बहुत सारे ऑप्शन हैं जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प आउट किया, जिसमें से अपॉर्चुनिटीज से तो मुझे डायरेक्टली दो प्रोजेक्ट्स मैंने लिंकस्टार से किए हैं. दे वर सो कन्वीनियंट टू वर्क विद. बहुत अच्छे से स्मूथली हुआ सारा कुछ. मैंने लिंकस्टार से दो पेमेंट्स से रिसीव किए हैं. एक मैंने क्लाइंट से रिसीव की थी अपने पर्सनल क्लाइंट से, तो वो बहुत स्मूथ था. यू कैन ऐड योर वॉलेट सेक्शन देयर और आप इंटरनेशनल पेमेंट्स भी रिसीव कर सकते हैं, विच इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल. वरना अगर आप क्लाइंट्स को मल्टीपल वेज बनाएं या फिर अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स बताना शुरू करें तो बहुत मुश्किल हो जाता है फॉर द क्लाइंट्स के वो उसको प्रोसेस कर सके. उनके लिए बहुत मुश्किल होता है. तो व्हाट इफ यू कैन सेंड वन लिंक और वहां पे आपका पोर्टफोलियो भी हो, आपके सारे पैकेजेस हों, सारी डिटेल्स हों, और आप वहीं से पेमेंट्स भी ले सकें एंड यू कैन ट्रैक दैट एज वेल. आप उसको सारा कुछ ट्रैक भी करें, विच इज अमेजिंग. आप उसको इतने ईजिली सारा कुछ मैनेज कर सकते हैं. ओके सो बहुत सारे क्वेश्चन हैं. आई थिंक बहुत ज्यादा क्वेश्चन हैं तो हम इसको भी साथ साथ कवर करते रहते हैं. कांट हियर योर वॉइस. मेरी वॉइस किसको नहीं आ रही? मैंने तो देखा ही नहीं. वॉइस इज ब्रेकिंग टू मच. व्हाई वॉइस इज ब्रेकिंग?
माय इंटरनेट कनेक्शन इज स्टेबल, मुझे नहीं आइडिया कि वॉइस अभी मेरी वॉइस क्लियर है आप सब लोगों को? ओके नाउ इट्स क्लियर. अब हम साथ साथ थोड़े थोड़े क्वेश्चंस भी लेते रहते हैं क्योंकि हमारे पास बना टाइम थोड़ा रह जाएगा क्वेश्चंस को कवर करने के लिए. लेट्स टेक दैट एज वेल. कैन यू प्लीज शेयर सम इनसाइट्स ऑन प्राइसिंग फॉर सोशल मीडिया मैनेजर रोल फॉर वन सोशल मीडिया. अच्छा इट डिपेंड्स, इट टोटली डिपेंड्स. जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे भी समझ नहीं आ रहा था तो मैंने फाइवर पे जाकर एक्सप्लोर किया एंड यू कैन गेट आइडिया फ्रॉम देयर. आप जो बिगिनर लेवल पे हैं बिकॉज इफ यू आर स्टार्टिंग यू विल चार्ज लेसर देन दोज हु आर एसिंग इन द फील्ड. तो आप उसको फाइवर से एक्सप्लोर कर लें जाके और आप देख लें कि अगर इंटरनेशनल क्लाइंट है तो आपसे कितना, आपने उससे कितना चार्ज करना है, वट अदर बिगिनर्स आर ऑफरिंग फॉर द सेम सर्विस. तो आप इस तरह से उसको टेस्ट कर सकते हैं. What is framework? Frameworks are used in copywriting. Copywriting में if you are like working in tech, उसके लिए आपको framework दूसरा use करना पड़ेगा. अगर आप कोई creative या फिर fashion blog पे काम कर रहे हैं आपको उसके लिए different framework use करना पड़ेगा. There are so many frameworks, लेकिन जो दो ये ADA और PaaS हैं ये ज़्यादा सबसे ज़्यादा यही use होते हैं दो frameworks. तो if you are like willing to learn more about copywriting and content writing in detail, and with including everything along with frameworks and SEO and creativity and storytelling, which is very important. So Linkstar is going to provide you with all the resources for free, but they have a very little favor from you, which is to submit your assessment. We are going to take an assessment from you. Like jis tarah maine abhi aap logon ko ek prompt se generate karke maine content dikhaya. If you can you are interested in doing that, you can do that. Or maybe if you are good at storytelling yourself, aap khud itna acha likh lete hain, so you can do the assessment yourself as well. Aap khud likh ke aapko ek assessment di jayegi group mein. Aapne usko assessment ko I think by Sunday aapne usko submit karna hai. And if you will submit, when you will submit exactly, aap uska aapko resources mein एंटर कर दिया जाएगा, आपको उसकी एक्सेस दे दी जाएगी. ठीक है, दीज आर द रिसोर्सेज. और मैं खुद देख रही थी मुझे इतनी सारी चीजें अभी भी सीखनी है स्टिल. एंड दिस इज द पैकेज, दिस इज द होल पैकेज इंक्लूडिंग एवरीथिंग लाइक ब्रांड स्टाइल, वॉइस, स्टोरी टेलिंग है, CTAs क्या होते हैं, कॉपी राइटिंग के ये है, सारे के सारे फ्रेमवर्क थे, सारे के सारे इसमें सारी चीजें हैं. This is worth $50 और मुझे तो लगता है this worth more than $50. मतलब इतना सारा कुछ आपको इकट्ठे एक जगह मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है. और मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें मास्टर क्लास से पहले मैं देख भी रही थी कि किस तरह की सारी चीज़ें हैं, किस किस स्टैंडर्ड की हैं. दे आर ऑल इंटरनेशनल, बहुत अच्छे सारे के सारे इसमें वीडियोज एंड रिसोर्सेज हैं विच वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर दोज who are like interested to learn copywriting and personal brandings, all about content creation and storytelling, everything including creativity and storytelling, brand, about branding. So this is going to be very helpful. So ye you can get this after submitting your assessment. Okay, acha uske baad hum kuch questions mazid kar lete hain sath sath. Okay, there AI checkers available now like plagiarism checkers. Are there any reverse tools or technique that can help to reduce AI plagiarism? AI plagiarism nahi hai, AI detective tools hain. Definitely they are in the market. And even if the client goes to ChatGPT aur wo kisi ka likha hua content usko provide kare ki is it trick aur ask usse puche ki is it written by you, to ChatGPT bhi bata dete hai ki If it is written by me, वो बता देगा आपको कि हाँ ये मैंने ये लिखा था. तो लेकिन इसीलिए मैं जब आप लोगों को ये वाला लैंडिंग पेज दिखा रही थी, I was talking about this thing in that landing page as well, कि आप उसको थोड़ा थोड़ा चेंज करें. अगर आप AI detective tools को थोड़ा सा एक्सप्लोर करें ना, आपको उनकी भी थोड़ी थोड़ी साइकी समझ आ जाती है. I was working for a client जिसमें मैंने AI written content को human written में convert करा था. And believe me, कुछ ऐसे sentences होते थे जहाँ पे अगर मैं कोमा उनको रिमूव करके आई वुड पुट सेमी कॉलन देयर और इट वुड से के नाउ दिस इज ह्यूमन रिटन. तो आपको इस तरह की टेक्निक्स
थोड़ी बहुत लाइक यू 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 शुड लर्न स्मार्ट वेज कि आपने किस तरह से छोटी छोटी टेक्निक सीखनी है और आप उनसे उनको लेवरेज करके यू कैन एस इन द फ्री इन फ्रीलांसिंग फील्ड. तो आप इसको इस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं. बाकी देर देर वुड बी मैनी प्लेजरिज्म और मे बी कन्वर्टिंग टूल्स एज वेल. मुझे इतना ज्यादा टूल्स के बारे में नहीं पता कि जो चैट जीपीटी या फिर एआई रिटन कंटेंट को कन्वर्ट कर दे ह्यूमन रिटन में. एग्जैक्टली ह्यूमन रिटन में तो कन्वर्ट नहीं हो सकता, लेकिन ये हो सकता है कि जिस तरह क्विल बोर्ड है इस तरह के कुछ टूल्स हैं जिसमें आप जाके पैराफ्रेज जब करेंगे एआई रिटन कंटेंट को तो वो उसका जो एआई रिटन वो नंबर होगा कि कितने स्कोर पे वो एआई रिटन था वो थोड़ा कम हो जाएगा, वो ह्यूमन रिटन में ज्यादा आ जाएगा. तो इस तरह से किया जा सकता है, लेकिन अगेन यू शुड इन्वेस्ट योर टाइम एज वेल. आप थोड़ा सा उसको टाइम देके आप उसमें थोड़े बहुत अपने कीवर्ड्स एम्बेड करें, बिकॉज दैट्स नेसेसरी कि आप अगर किसी वेबसाइट के लिए लिख रहे हैं तो आपका उसमें एसईओ अच्छी होनी चाहिए. तो आप उसमें एसईओ के लिए जब चेंजेस करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो उसमें एआई स्कोर होगा वो कम ही हो जाएगा. उसके बाद है हाउ कैन वी नो विच फ्रेमवर्क इज बेस्ट फॉर अस. अच्छा, फ्रेमवर्क जब आप देख रहे होते हैं ना, अगर हम इसी वाले फ्रेमवर्क की बात कर लें, यहीं पे अगर हम इसको एक्सप्लोर कर लें. अब अगर मैं अपने लिए कर रही थी, अगर मैं अपने जनरेट करना था अपनी सर्विसेज के लिए कंटेंट, तो मैंने जब यहाँ से देखा कि मुझे कौन सा जो है फ्रेमवर्क सूट करेगा सबसे ज्यादा, तो मुझे ये वाला फ्रेमवर्क लगा, ये वाला. नहीं, ये ठीक है, मुझे सबसे ज्यादा फ्रेमवर्क ये वाला लगा. अब मुझे क्यों लगा, जब मैं सोच भी रही थी ना, जब मैंने अपना लैंडिंग पेज कंटेंट अपना ही लिख रही थी, वैसे मैं एक क्लाइंट का लिख रही थी और मैंने कुछ इसी तरह की उसकी सर्विसेज थी जिसको उसने डिस्प्ले करना था लैंडिंग पेज के लिए, तो तब मैंने ये सोचा था मुझे इसके लिए कौन सा फ्रेमवर्क जो है वो यूज करना चाहिए. अब मैं ज्यादातर यही दो फ्रेमवर्क यूज करती हूँ, इसके अलावा मैं कोई खास फ्रेमवर्क यूज नहीं करती. देयर आर प्लेंटी ऑफ, लेकिन सबसे ज्यादा यही यूज होते हैं एंड दे आर इफेक्टिव एंड ईजी टू यूज एज वेल. तो मुझे अटेंशन, इंटरेस्ट और डिजायर और एक्शन वाला जो है फ्रेमवर्क वो बहुत अच्छा लगा. और इसके साथ साथ अगर आप इसको देखें, प्रॉब्लम एगिटेट और सॉल्यूशन को, तो अब आप अगर अपने फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने सर्विसेज की बात कर रही हूँ, तो मेरी क्योंकि बहुत जो है क्रिएटिविटी से रिलेटेड सर्विसेज हैं, एक मुझे उसमें ऑब्वियसली प्रॉब्लम है, उस फ्रेमवर्क को भी यूज किया जा सकता है, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि मुझे ये वाला फ्रेमवर्क यूज करना चाहिए. अब इट इज अप टू यू, इसमें कोई वेल डिफाइंड नहीं होती चीज कि आपने कौन सा फ्रेमवर्क यूज करना है, कौन सा लाजमी यूज होगा, कौन सा गलत है, कौन सा सही है, ऐसा नहीं होता. आप कोई भी फ्रेमवर्क यूज कर सकते हैं, बस आपने फ्रेमवर्क जो यूज करना है उसके अकॉर्डिंग जो आप कॉन्टेंट लिख रहे हैं दैट शुड बी इफेक्टिव इनफ. अच्छा, हाउ टू लर्न यूनिक स्टोरी टेलिंग स्किल. यूनिक स्टोरी टेलिंग स्किल्स, उसके लिए आपको ऑब्वियसली थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. उसके लिए आपको मल्टीपल ब्लॉग्स, मल्टीपल नॉवेल्स इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लाइक रीडिंग, स्पेशली लाइक इमेजिनेटिव नॉवेल्स जिसमें फैंटेसी बहुत ज्यादा होती है, उस तरह की अगर पसंद करते हैं. आई डोंट लाइक दैट, लेकिन कुछ लोग आई नो हु प्रैक्टिस स्टोरी टेलिंग बाय नॉवेल्स, उन्होंने नॉवेल्स को पढ़ा, मूवीज को देख के नेटफ्लिक्स से. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन नेटफ्लिक्स यू कैन वॉच दैट, तो आपकी कैब अच्छी हो जाएगी. यू वुड लर्न इन फॉर्मल लैंग्वेज. बेसिकली स्टोरी टेलिंग में आपने क्रिएटिविटी लानी है, उसके साथ अपने फन लाना है, उसके साथ अपने इन्फॉर्मेटिव भी बनाना है, उसके साथ क्रिएटिविटी ऐड करनी है उसमें. और आपने इस तरह का बनाना है लाइक वन पर्सन कैन इमेजिन व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, इट शुड क्रिएट अ स्टोरी इन हिज माइंड. तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं. देयर आर मेनी कोर्सेज एज वेल, आपके साथ लिंक शेयर कर दिया जाएगा व्हेन यू विल सबमिट द असेसमेंट. उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं स्टोरी टेलिंग से रिलेटेड. I have a question. Can we generate unique content from ChatGPT? Because recently, मैंने एक assignment. Okay, अब अगर मैंने again अभी वो मैंने बात बताई भी है, अगर आपके जो even आपका जो content है वो ChatGPT से generate और वो ChatGPT को ही जाके दे दें, तो वो it would tell कि हाँ ये मैंने ही generate किया है. So you can forbid that by adding your personalization. आप उसमें खुद कुछ ना कुछ करें, आप as it is copy ना करें उसको. जैसे अगर अब आप तो ये I think academic writing की बात कर रहे हैं, academic writing में तो बिल्कुल भी allow नहीं होता इस तरह चीजें use करना.
बट यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम इट. आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है, आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा किस तरह से लिखना है, यू कैन टेक हेल्प. लेकिन अगर आप वेबसाइट कंटेंट की बात करें तो वेबसाइट कंटेंट में आप डेफिनेटली उसमें पर्सनलाइजेशन तो बहुत जरूरी होती है ना, आपने वो वैसे भी करनी होती है. तो आप उस जैसे जैसे ही पर्सनलाइजेशन की तरफ जाएंगी, आप थोड़ा बहुत उसमें SEO कीवर्ड्स ऐड करेंगी, तो वो उसका जो चैट GPT रिलेटेड स्कोर होगा या AI रिलेटेड स्कोर होगा वो डिक्रीज हो जाता है, तो ह्यूमन रिटर्न उसका स्कोर बढ़ जाता है. तो इस तरह से आप उसमें थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा. डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू रिलाई ऑन ChatGPT होली. आप थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस करें ताकि उसमें आपको उसके रिजल्ट्स भी तो मिले ना. रिजल्ट्स आर नेसेसरी, लाइक यू इफ यू आर वर्किंग फॉर सम टाइम तो उसको रिजल्ट्स चाहिए एट द एंड. अगर आपको क्लाइंट ने खुद अलाउ किया, लाइक आई हैड अ क्लाइंट जिसने मुझे कहा था कि आप ChatGPT से जितना मर्जी कॉन्टेंट चाहे उसको करवा सकती हैं, तो मैंने वो बहुत ज्यादा हेल्प ली थी उससे उस क्लाइंट के लिए, क्योंकि उसने मुझे खुद अलाउ किया होता. बट इफ द क्लाइंट हैज नॉट अलाउड यू तो आप नहीं कर सकते, ऑब्वियसली आप ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन आप हेल्प ले सकते हैं. आप आउटलाइन बनवा सकते हैं कि मुझे किस तरह लेके चलना चाहिए इस आर्टिकल को या ब्लॉग को. हाउ कैन आई डिसाइड अबाउट अ पर्टिकुलर नीश इन कॉपी राइटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग. मतलब आई डोंट नो इफ यू आर आस्किंग कि कौन सी चूज करनी चाहिए. इफ यू आर आस्किंग दैट कौन सी चूज करनी चाहिए, तो दोनों में से स्टार्ट में, इफ यू आर नॉट गुड एट इन क्रिएटिविटी और स्टोरी टेलिंग, तो आप स्टार्ट कॉन्टेंट राइटिंग से ही लें ताकि आप मार्केट को स्टोर कर लें. यू नो आपको लिखना आ जाए, आपको डिग्रीज आ जाए, देन यू कैन शिफ्ट टू कॉपी राइटिंग, बिकॉज कॉपी राइटिंग इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. कॉपी राइटिंग इज द नेम ऑफ सेलिंग समथिंग थ्रू वर्ड्स. When you are not actually selling by words, like आपके words इतने salesy भी नहीं लगने चाहिए, लेकिन still they are selling your clients' efforts and products and everything they want, or maybe everything you want. आप अपने लिए भी copywriting करते हैं, obviously whenever you try to promote yourself, you try to brand yourself, तो आपको अपने लिए भी copywriting करनी है. So I think you must start with content writing. Start from there. Mr. Ayab, right? Will you share any? Yeah, recording will be shared, inshallah. Do we have to wait? No, $50 course is for free for you. Do we have to wait 54 Linkstar once or monthly? Are you talking about Linkstar charges? I don't know what you are talking about. If you are talking about the course or maybe the resources I was talking about, they are free for you all who have registered for the masterclass and who will submit the assessment, most importantly. Or tell us about assessment. Assessment will be shared with you in the group, so you can check that. Users, yeah, wo jinhone kabhi content writing nahi ki, wo kaise apna mind bana sakte hain, please. Like, if your English is good and you can brainstorm about writing, like if you have given some topic, and you know that you can brainstorm about it, you can research about it. पहले नंबर पे brainstorming आती है. You should have some background information about the topic. आपको अगर background information नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, तो आपको बहुत 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 time लगेगा research करने में. और उसके बाद अगर आपने वो बहुत time नहीं लगाया होगा, तो आपका content research या fact checking में कहीं ना कहीं lag कर सकता है. तो उसके लिए आपके लिए आपके पास जरूरी है कि background information हो. So if you are good to go with like any topic या फिर any niche, जैसे आप tech related लिखना चाहते हैं, तो you should have some knowledge about tech niches. आपको उनका पता हो, उसके बाद आप research में भी अगर अच्छे हैं, grammar का इतना बहुत issue नहीं होता. Like if you can write basic English sentences and you know basic rules, आपको पता है did के साथ second form नहीं आएगी, आपको पता है SCS कहाँ आएगा, आपको vocab आपकी अच्छी है, तो you can start content writing. आप उसको practice करें, definitely it requires so much of practice. आप उसको reading में, writing में बहुत सारी जगह practice कर सकते हैं. Courses ले सकते हैं, YouTube पे बहुत सारे courses हैं. What you need is to surf the internet and find the best from it. उसके बाद tell us about the assessment. Okay, assessment तो बाद में बता देंगे. और उसके बाद without human touch it doesn't worth if you can't make it. ओके या डेफिनेटली मैं खुद भी यही कह रही हूँ कि आप टोटली AI पर रिलाई नहीं कर सकते, बट इट इज सो हेल्पफुल इन सेविंग योर टाइम. अगर आप
वही काम आपको 2 दिन लग रहे थे करने में, अगर एक लैंडिंग पेज लिखने में आपको 2 से 3 दिन लग रहे थे, अगर आप थोड़ी बहुत यहाँ से आप स्मार्टेस्ट को यूज करें, माइंडफुली यूज करें, तो आप एआई से बहुत हेल्प लेके उस कंटेंट को जल्दी कर सकते हैं. एंड इट इज नॉट कि आप उसको बुरा करें, ऑब्वियसली आप अच्छा करें अपनी तरफ से. आपको अगर नहीं अच्छा लग रहा पर्सनली एआई का लिखा हुआ एंड यू वॉन्ट टू एम्बेड योर स्टाइल, तो आपको डेफिनेटली उसको रिवैम्प कर दें, आप वो भी कर सकते हैं. Assessment framework is basically the format of content. Yeah. How can we do SEO? किसने पूछा था? Yeah. Sorry, मेरे पास आवाज नहीं हो रही थी तो मैंने सुना नहीं और इसलिए मैंने messages भी नहीं देखे. अच्छा, how can we do SEO using ChatGPT? अच्छा, I have tried that कि मैं SEO keywords दूँ उसको. It writes so well about in keeping the like SEO standards in view. बहुत अच्छा लिखा होता है content. अगर आप keywords provide कर दो, आप बता दो कि ये मेरा primary keyword है, ये मेरे secondary keywords हैं, ये keywords हैं जो मैं randomly target करना चाहती हूँ like throughout the article or post. It would do the job very good. लेकिन फिर again थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं issue आ जाता है, कहीं पे overuse किया होता है, कहीं पे repetitive आ रही होती हैं चीजें, कुछ सेंटेंसेस या कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी आएगी जहाँ पे आपको बहुत रेपिटेशन फील होगी, तो आपको थोड़ी बहुत एडिटिंग करनी पड़ जाती है बाद में, जो कि आपको करनी भी चाहिए. यू कांट रिलाय ऑन एआई. आप सारा कंटेंट मत लिखिए, आप थोड़े बहुत चेंजेस विच इज वेरी गुड आप वो करने के लिए ही एसईओ खुद कर लें तो ज्यादा बेहतर है, या अगर उससे करवानी भी है तो बाद में उसको डबल चेक करें, उसको बाद में सारा का सारा चेक कर लें. Assessment will be used. ठीक है, वो assessment का बाद में हो जाएगा. और उसके बाद है how to be good social media manager, please share 1 to 3 points. I'm at a very beginner level in social media marketing and social media management. मैंने अभी 2 client पे से settle किया and the third client is on the way. मैं अभी उसके साथ discussion कर रही हूँ. तो आपके लिए सबसे जरूरी है, अच्छा मुझे तो seriously ये भी नहीं पता था कि social media managing में कौन कौन सी चीजें आएंगी. तो मैंने अपने क्लाइंट के लिए कंटेंट डिजाइनिंग भी की है, राइटिंग भी की है, साथ मैनेजमेंट भी की, एंगेजमेंट भी की, मतलब मैंने सब कुछ. सबसे पहले डिफाइन योर कंटेंट राइटिंग करना चाह रहे हैं आप, क्या स्पेसिफिकली चीज करना चाह रहे हैं. ठीक है, आप उसको डिफाइन कर लें, वेल डिफाइन करके आप उसके बाद थोड़े बहुत उसको ऑर्गेनिकली और अगर आप पेड उसको स्टार्ट करना चाहें या फिर उसमें इन्वेस्ट करना चाहें अगर क्लाइंट के एड्स पे, तो वो किस तरह से करना है. आप मेटासूट बिजनेस को थोड़ा सा सीख ले, उस पर आपने किस तरह से शेड्यूलिंग करनी है पोस्ट की. आपको ये थोड़ी थोड़ी बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि आपने क्लाइंट की शेड्यूलिंग कैसे करनी है, कंटेंट क्रिएट कैसे करना है, एंगेजमेंट अगर करनी है तो वो आपने किस तरह से करनी है. आप मेटासूट से ही कर सकते हैं तो वो किस तरह से कर सकते हैं. आपको ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए. What is the assessment? Thank you. सारे assessment का पूछ रहे हैं, assessment का बाद में बता देते हैं. Can we please have details about Linkstar? Okay, Linkstar का थोड़ा सा overview दे देती हूँ. Linkstar is a platform that provides you with a landing page. आपको landing page, customized landing page मिल जाता है, आपको सारे sections मिल जाते हैं. You can add your customized section as well, कि आपको कोई section खुद add करना है. चार पांच चीजें जो होती है, ये बेसिक जो है उसका लिंक स्टार का जो फ्री है उसमें ये सारी चीजें होती है. आप ये सेक्शन ऐड कर सकते हैं, जितने मर्जी मल्टीपल सेक्शंस आप कस्टमाइज करके उसको ऐड कर सकते हैं. इस तरह का आपका लैंडिंग पेज का टॉप होगा. अगर आप खुद लैंडिंग पेज बनाए तो आपको सबसे पहली बात तो आपको समझ ही नहीं आती कि आप क्या क्या चीजें डिस्प्ले करें, वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है. फॉर मी इट इज अ लाइफ सेवर. मुझे बहुत मुश्किल लगता था कि मैं किस तरह से कोई इस तरह का कोई लिंक हो जहाँ पे मेरी सारी चीजें एक लिंक में. इससे पहले मैं लिंक ट्री यूज कर रही थी, लिंक ट्री का बिल्कुल भी जो प्रीफेस था वो मुझे पसंद नहीं था, वो क्लाइंट के लिए भी बड़ा मुश्किल होता था. लेकिन इसका लिंकस्टार का लैंडिंग पेज बहुत खूबसूरत बना सकते हैं आप. मैंने इवन यहाँ पे अपनी पॉडकास्ट शेयर की हुई है, मैंने अपनी इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाई थी अपवर्क के लिए, हालांकि मैंने ये बनाई थी तो मैंने ये भी यहाँ पे शेयर की हुई है. उसके बाद आप हाईलाइट डाल सकते हैं, एक्सपीरियंसेस डाल सकते हैं अपने. यहाँ से आप अपनी हर प्रोफाइल को, जितनी प्रोफाइल हो उनको यहाँ से पिच कर सकते हैं.
उसके बाद आप सर्विसेज अपनी डाल सकते हैं, उसके बाद आप एक्स्ट्रा सर्विसेज डाल सकते हैं, या फिर अपना एक्स्ट्रा आपकी अचीवमेंट्स हैं, यू कैन डिस्प्ले दैट एज वेल। उसके बाद सबसे मजे की बात, आप अगर प्रो वर्जन बाय करें तो आप उसमें गूगल ड्राइव का लिंक डाल के, इसके यहाँ पे आई थिंक आप सिक्स से भी ज्यादा, आई थिंक मैंने तीन डाले हुए हैं, लेकिन आप सिक्स से भी ज्यादा आई थिंक यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स डाल सकते हैं। जैसे अगर आप मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं आर्टिकल ब्लॉग की, वेबसाइट कॉपी राइटिंग की, और उसके बाद आप सोशल मीडिया की, तो अगर आप सारे भी एक 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 करके यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स डाल रहे हैं, यू आर गुड टू गो। इतना अच्छा आपका यहाँ पे डिस्प्ले हो सकता है पोर्टफोलियो। आपके पास प्राइसिंग आ जाती है, उसके बाद गैलरी आ जाती है। मैंने यहाँ पे न्यूज लेटर भी एड करना है, किया हुआ है, और मैंने इसको थोड़ी बहुत एडिटिंग करनी है, लाइक स्टिल इट इज वेरी गुड। मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि उन्होंने मेरा लिंक स्टार पेज देख के उन्होंने अपने लिंक स्टार के पेजेस बनाए हैं, लैंडिंग पेजेस बनाए हैं, तो आपको बहुत हेल्प हो जाती है। आपको सबसे बड़ी बात, आप क्लाइंट को एक वन वे सोल्यूशन दे रहे हैं, आप क्लाइंट को एक लिंक सेंड कर रहे हैं, एंड उससे आपका सारा का सारा पास्ट एक्सपीरियंसेस, आपका पोर्टफोलियो, आपका सैंपल, सब कुछ क्लाइंट वहीं से देख सकता है, विच इज वेरी गुड। आपके इवन सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स है वो उनको भी वहां से रीच आउट कर सकता है, तो बहुत बहुत हेल्प कर देता है आपको। अच्छा, उसके बाद हम कहाँ थे, डिटेल्स, ओके, कैन यू प्लीज शेयर सम इंटरेस्टिंग प्रॉम्प्ट्स। अच्छा, प्रॉम्प्ट्स जो है वो रिसोर्सेज जो आपके साथ शेयर होंगे उसमें ऐड किए हुए हैं हमारे पास, क्योंकि टाइम इतना ज्यादा नहीं है तो मैं प्रॉम्प्ट्स सारे शेयर नहीं कर सकती थी, लेकिन व्हाट आई हैव लर्नड ओवर द पास्ट मंथ्स, आप जितना बेहतर प्रॉम्प्ट दे सकते हैं चैट जीपीटी को उतना दें। चैट जीपीटी को आप जितना बताएंगे, आप अपने टारगेटेड ऑडियंस खुद से बता सकते हैं, वेल एंड गुड, आप खुद से बताएं, उसके बाद आप बताएं कि मैं किस तरह की फैसिलिटी हूँ। लाइक मैंने तो अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल भी चैट जीपीटी के साथ शेयर की थी कि लाइक दिस इज मी, दिस इज व्हाट आई डू, मुझे इससे रिलेटेड कॉन्टेंट चाहिए। तो एज मच एज यू कैन शेयर, डू दैट, आपको उससे रिलेटेड उतना ही अच्छा आउटकम आएगा, जितना अच्छा आप उसको प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, जितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। हाउ टू विन अ क्लाइंट ड्यूरिंग एन इंटरव्यू, एनी टिप्स फ्रॉम योर साइड। आई वॉज टॉकिंग टू अ बिगिनर लास्ट नाइट, और मैंने, वो मुझे ये बताई थी कि आई हैव बीन फ्रीलांसिंग फॉर 2 ईयर्स, लेकिन मुझे वो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। तो आई सेड टू हर कि आप सिर्फ क्लाइंट्स के साथ मीटिंग्स करना शुरू कर दें, आप क्लाइंट्स के साथ मीटिंग्स करें, बेशक गो विद ऑडियो मीटिंग्स, आप फौरन से वीडियो मीटिंग्स से ना जाएं इफ यू आर रिलक्टेंट और आपको इतनी हेजिटेशन है। अगर आप एक दफा ऑडियो मीटिंग करें, नेक्स्ट टाइम स्विच टू वीडियो मीटिंग विद अ फीमेल इफ यू आर अ फीमेल, ताकि आप कंफर्टेबल जोन में आ जाए, कंफर्टिंग जोन में आ जाए, लाइक आपके आपके ब्रेन को ये पता लग जाए कि दिस इज नॉट समथिंग दैट इज गोइंग टू किल मी, ऐसे लग रहा होता है दिस इज समथिंग जो हम नहीं कर सकते, बट वंस यू डू दैट यू ओवरकम द फियर एंड देन यू, नो वन कैन स्टॉप यू। तो मैंने इसी तरह से स्टार्ट किया था, मैंने एक मीटिंग की एंड आई स्टिल रिमेम्बर मेरी फर्स्ट मीटिंग में आई वॉज शिवरिंग टू लाइक डेथ, मेरी हालत खराब थी और आई वॉज नॉजियाटिक, मुझे डायरिया हो गया था, मेरी इतनी बुरी हालत थी स्ट्रेस से। तो फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज ऑलवेज गोइंग टू बी वेरी वेरी हार्ड, बट यू शुड टेक दैट फर्स्ट स्टेप, उसके बाद चीजें बड़ी आसान रहती हैं, स्टेप बाई स्टेप इट गेट्स वेरी इजियर। और आप उसको जो है क्लाइंट को विन इंटरव्यू में विन करने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। उसकी वजह यह है कि विद वर्ड्स यू आर somewhere limited, you are somewhere limited to showcase yourself with words. This is very difficult कि आप अपने सिर्फ words के through अगले बंदे को इतना impress करें और अपना जो जितना भी experiences हैं सब कुछ आप showcase कर पाएं, very very difficult. और अगर client के पास time कम है, he is not willing to read your all the messages और लंबे लंबे जो आपके text होंगे वो पढ़ने के लिए विलिंग हो, तो फिर तो बहुत ही मुश्किल है ना। तो द बेस्ट सॉल्यूशन इज टू गो फॉर मीटिंग्स, वहां पे जाके आप उसको अपने क्वेश्चंस करके डेफिनेटली आप उसको इम्प्रेस कर सकते हैं। आप उसके जो उसका बिजनेस है, आप उसको सॉल्यूशन उस टाइम मत बताएं, लेकिन आप उसके प्रॉब्लम को उसके बताने से पहले उसके प्रॉब्लम को बता रहे हैं, सो दैट ही नोज कि आपको उसके बिजनेस का प्रॉब्लम पता है, तो यू वुड नो द सॉल्यूशन एज वेल। Now as I have know how my professor got that, okay. Thanks. Can you give me last answer? It is permissible to getting content from chatting. I mean, is it good according to Sharia? I don't know about Sharia anything. मुझे तो ऐसा नहीं लगता. This is something bad. लेकिन I can say anything about this. Sorry. मुझे कुछ idea नहीं इस चीज़ का. What are the tools you personally use for SEO? I personally have been using only
गूगल कीवर्ड प्लानर मुझे बहुत अच्छा लगता है, गूगल कीवर्ड प्लानर। उसके साथ अगर मुझे जो मुझे एक फ्री जनरेट करना हो या फिर मुझे देखना हो कि मुझे इसके साथ कितने और रेलेवेंट टॉपिक्स को पिच करना चाहिए या मुझे उन कितने रेलेवेंट टॉपिक्स पे काम करना चाहिए, उसके लिए मैं आंसर द पब्लिक, अभी तक मैं ये दो ही कर रही हूँ। मैंने ऊबर सजेस्ट की एक्सेस ली थी एक मंथ के लिए सिर्फ, इट वॉज सो गुड। ऊबर सजेस्ट इज वर्थ इन्वेस्टिंग। मैं खुद भी उसका कोई ढूंढ रही हूँ कि कहाँ से मुझे बहुत अच्छी उसकी सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट। तो अगर आप लोगों को ऊबर सजेस्ट की एक्सेस मिल जाती है, दैट्स वेरी गुड, आप उसको यूज करें, इजी टू लर्न एज वेल, उसको जल्दी आप सीख सकते हैं। अगर आपने फ्री की तरफ रहना है तो गो फॉर गूगल कीवर्ड प्लानर, एंड उसके साथ साथ आंसर द पब्लिक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। डू यू ऑफर एनी कोर्सेज? आई डोंट ऑफर एनी कोर्सेज, एंड थैंक यू सो मच फॉर अप्रिसिएशन। मैं मास्टर क्लासेस करती रहती हूँ, आई डिड माई फर्स्ट मास्टर क्लास रिसेंटली, तो होपफुली आई विल डू अदर्स एज वेल, वरना मेरा यूट्यूब चैनल बहुत जल्दी देखेंगे आप लोग, तो वहां पे आई विल टीच व्हाटएवर आई नो इंशाल्लाह। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यूट्यूब चैनल जो आप कह रही हैं, आप किसके लिए कह रही हैं? इफ यू आर लुकिंग फॉर कॉन्टेंट राइटिंग एंड कॉपी राइटिंग वगैरह, तो उसके रिसोर्सेज जो लिंक स्टार प्रोवाइड कर रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं, आप वहाँ से बहुत अच्छा सीख सकते हैं। Suppose it's your first proposal for content and copywriter, how to make a client select if you don't have old projects to fall on or give examples. Achha, I have a very funny story about that. मैंने एक tech related proposal submit किया, उसमें मैंने sample share नहीं किया था। अब client का मुझे आ गया reply कि I don't remember the topic exactly, मुझे याद नहीं आ रहा वो topic क्या था, लेकिन उस topic में मेरे पास कोई drive में किसी और का भी कोई sample नहीं पड़ा हुआ था, like मुझे उसी वक्त शेयर करना था, मेरे पास कोई नहीं था। तब चैट जीपीटी बहुत नया नया आया हुआ था, मतलब बहुत ही नया था, मुझे इतना भी नहीं पता था कि इसको किस तरह से यूज करना है, लेकिन मैंने उसी वक्त उससे एक रिलेटेड एग्जैक्टली मैंने वही टॉपिक तो नहीं लिखा जो क्लाइंट पूछ रहा था या जो क्लाइंट को चाहिए था, मैंने उसी नीच में एक दो ब्लॉग जनरेट किए जल्दी जल्दी, मैंने वर्ड दिए, वर्ड लिमिट बता दी चैट जीपीटी को, इतने वर्ड लिमिट चाहिए, मेटा डिस्क्रिप्शन भी चाहिए, ये सब कुछ मैंने बड़ा अच्छा सा आर्टिकल लिख के मैंने क्लाइंट को सबमिट किया और मुझे वो प्रोजेक्ट मिल गया था। तो लाइक You should go for smart ways. अब मुझे ऐसा लगता है if you can overcome your fears, आपको ये आपको पता है सिर्फ कि you are just starting out, आपके पास कोई samples नहीं है, this is what that you know only. अगर आप किसी को नहीं बताएंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा, आपने इसको ओवरकम कैसे करना है, this is up to you. अगर आप इसको ओवरकम जितना बेहतर कर सकते हैं आप उतनी जल्दी प्रोग्रेस कर सकते हैं अपनी फील्ड पे, तो आप इस तरह के स्मार्ट वेज, आई एम नॉट लाइक रेफरिंग कि आप इस तरह काम किया करें, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि आप स्मार्ट वेज की तरफ जाएं, आप कोई ना कोई इस तरह का सोल्यूशन ढूंढ लें। अगर आपको लगता है कि आप ये प्रोजेक्ट कर सकती हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई क्लाइंट आपसे इंटरव्यू कर रहा है, आपको लग रहा है आप उसका प्रोजेक्ट हैंडल कर सकते हैं, लेकिन आपके पास कोई रेलिवेंट सैंपल नहीं है उस टाइम पे, आप अपने सर्कल में से किसी से पूछ लें कि आपके पास किसी के पास सैंपल है अगर, बट द थिंग इज कि आपको श्योरिटी होनी चाहिए कि आप क्लाइंट का प्रोजेक्ट हैंडल कर सकते हैं, तभी आप ये काम करें। ये नहीं कि आप प्रोजेक्ट ले लें उसके बाद आपको आता कुछ ना हो, ओनली इफ यू नो दैट एंड यू आर श्योर कि आप कर सकते हैं, फिर आप किसी और से सैंपल ले लें, आप किसी और से कह दें क्या कैन यू, उसको बता भी दें कि कैन यू शेयर योर सैंपल एंड दैट आई वॉन्ट टू शो माई क्लाइंट, और उससे परमिशन लेके आप उसका सैंपल शेयर कर दें, या फिर आप इस तरह से कोई चैट जीपीटी से जनरेट करके इस तरह सैंपल ही शो करना है ना आपने, आप उसको सैंपल करें, अगर मिल जाता है क्लाइंट तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलता दैट्स अनदर लेसन, आपको एटलीस्ट पता तो चल गया है ना कि आप ये कर सकते हैं, इस तरह के सोल्यूशन हैं और इस तरह के सोल्यूशन काम आते हैं या नहीं, यू विल लर्न अ लेसन। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इस तरह के पता चल जाते हैं आपको वेज कि आप किस तरह से कोप अप कर सकते हैं इस तरह के सिनेरियोज में। कैन यू हैव एनी यूट्यूब चैनल? नहीं अभी नहीं है, बिल्कुल भी। कैन वी प्लीज हैव अ डेडिकेटेड सेशन ऑन लिंक स्टार? यस यस डेफिनेटली, मैं लिंक स्टार से कहूंगी कि हम एक लिंक स्टार पे सेशन कर लें। I've been using ChatGPT for last couple of weeks. Don't you think it is draining your creativity? We are being dependent. I don't think so. Okay, it is draining your creativity. Again, अगर आप क्रिएटिव हैं इतने, आपको ChatGPT का कंटेंट अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कभी नहीं लगेगा। लाइक आपको कहीं ना कहीं चीजें लगेंगी कि नहीं, दिस इज वेयर, दिस समथिंग वेयर आई कैन इम्प्रूव मे बी सम सेंटेंसेज और मे बी सम पैराग्राफ, तो आप अपनी क्रिएटिविटी उसमें भी यूज कर सकते हैं। अगे सॉरी अगेन वही बात आ गई कि आप रिलाई नहीं करें, आप ये माइंडसेट बना लेके आपने उस पर रिलाई नहीं करना, अनटिल और अनलेस आप सर्विसेज ही सिर्फ एआई कंटेंट की दे रहे हैं, अगर तो आपकी सर्विसेज है ही मेनली एआई कंटेंट की, तो फिर तो यू आर गुड टू गो, आप जो मर्जी एआई टूल से करें, लेकिन अगर आप सर्विसेज नहीं दे रहे, आप अपने आप को डिस्प्ले नहीं करना चाहते एआई कंटेंट आप जनरेट करते हैं,
तो आप उसको सिर्फ उससे सिर्फ हेल्प लें, कीप दैट इन माइंड कि आपने उससे सिर्फ हेल्प लेनी है, और आप मैक्सिमम कितनी हेल्प ले सकते हैं और किस तरह वो आपका टाइम सेव कर सकता है, किस तरह आपको रिसर्च में हेल्प कर सकता है स्पेसिफिकली. उसके बाद काइंडली टेल अस अबाउट असाइनमेंट. असाइनमेंट तो बाद में बताते हैं. देयर इज अ वीडियो बाय डॉक्टर उमर सुलेमान ऑन योर कंटेंट इफ यू नो. ओके, मैं देख लूंगी. हाउ टू हैंडल योर फर्स्ट क्लाइंट विदाउट हैविंग एनी वर्क एक्सपीरियंस. एवरी क्लाइंट लुक्स फॉर एक्सपीरियंस राइट. How do you behind your first client? That's difficult. That's totally understandable. के situation इतनी ज़्यादा है. This is very difficult कि आपको first client किस तरह से मिलेगा. ठीक है. Okay, we will start wrapping just a few minutes. अच्छा तो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन just keep doing that. आप अपने आप को बेहतर किस तरह बना सकते हैं. आपको personal branding. अब you should focus on your plus points. कि कहाँ पे कौन से ऐसे plus points हैं जो आपको different बनाएंगे other writers से. With you, there would be many beginners as well. ऐसा नहीं है कि मार्केट में सारे experienced हैं और सारे लोग experienced को ही hire कर रहे हैं. ऐसा नहीं होता. There would be many beginners as well. तो आपने उस level पे beginners को beat करना है. आप अपने level पे beginners को beat करने की कोशिश करें. At least आपको कहीं ना कहीं आपको उसका result मिलता है. आपको plus points choose करने हैं. Plus points में आपके पास personal branding आ जाती है. आपका portfolio आ जाता है. जैसे कि आपका Linkstar page एक बहुत अच्छा Linkstar page होना आपका बहुत help करेगा आपको. लैंडिंग पेज अगर आपका बहुत अच्छा है, अगर आपका लिंक्डइन पे आपके जो है कंटेंट बहुत अच्छा है, आपको बहुत हेल्प करेगा. तो ये आपके प्लस पॉइंट्स होते हैं. यू शुड फोकस ऑन दैट रादर लाइक सिटिंग ऑन द सोफा और वेटिंग फॉर द क्लाइंट. इट इज सो मच इम्पॉर्टेंट कि आप उस सारे टाइम को यूटिलाइज करके. आई पर्सनली प्रेफर क्रिएटिंग कॉन्टेंट रादर देन कोल्ड ईमेलिंग. आई नो दैट्स वेरी वेरी इफेक्टिव. बहुत सारे लोग कोल्ड ईमेलिंग और पिचिंग करते हैं. एंड This is another field. ये पूरा का पूरा एक सर्विस है जो आप ऑफर भी कर सकते हैं. लेकिन अगर आप सिर्फ क्लाइंट अपने क्लाइंट का वेट कर रहे हैं और सिर्फ आप मैसेजेस पे फोकस कर रहे हैं, लोगों को मैसेज कर रहे हैं कि आई एम जस्ट दिस दिस और मुझे हायर कर ले, तो दिस इज वेरी रॉन्ग. आप इस तरह करने के बजाय यू आर ड्रेनिंग योर सेल्फ. आप नेगेटिवली अपने आप को ड्रेन कर रहे हैं. इससे बेहतर है कि आप उसी टाइम को इन्वेस्ट करके अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करें और आप उसके साथ साथ अपने जो है ब्रांड पे फोकस करें और साथ साथ अपने पोर्टफोलियो पे फोकस करें. इन्वेस्ट दैट टाइम समवेयर एल्स ताकि आपको हेल्प कर सके लॉन्ग टर्म में. ओके, वी शुड रैप अप द सेशन नाउ. थोड़ा सा टाइम है. मैं कुछ और क्वेश्चंस ले लेती हूँ इफ यू अलाउ. थोड़ा से क्वेश्चंस हैं. आई एम एन एसईओ पर्सन हैविंग 2+ years. कॉपीराइटिंग टिप्स. अच्छा, कॉपीराइटिंग टिप्स और ये कवर लेटर वगैरह सारा कुछ रिसोर्सेज में बहुत लंबा हो जाएगा सेशन अगर मैं ये सारा कुछ शेयर करूंगी. सॉरी टू से मैं सारा कुछ अच्छे शेयर नहीं कर सकती. कोल्ड ईमेलिंग का मुझे इतना खास आइडिया नहीं है. आई हैव नेवर डन दैट. लेकिन ये सारा कुछ आप उसमें कर सकते हैं, वहां से सीख सकते हैं. आई ऑल्सो सी समटाइम्स एआई इज गिविंग सम प्लेजराइज्ड कंटेंट. यस इट डज. और बहुत रेपिटेटिव भी आ जाते हैं कभी कभी कॉन्टेंट अगर आपके प्रॉम्प्ट अच्छे ना हो या फिर वैसे भी. ऑब्वियसली इट इज अ मशीन, तो आपको कहीं ना कहीं रेपिटेशन भी मिल सकती है. तो इट इज वेरी गुड कि आप उसको एक दफा बल्कि डबल चेक कर लें. आप फिल्टर आउट करने के लिए उसको डबल रीड करें, डबल चेक करें. आप उसको उसमें कोई ना कोई चीजें जो ऐसी नजर आएंगी जो इम्प्रूव हो सकती हैं, आप उसको इम्प्रूव करें. हैविंग सोशल मीडिया प्रेजेंस गुड फॉर गेटिंग क्लाइंट्स. यस डेफिनेटली, स्पेशली ऑन लिंक्डइन. अगर आपकी लिंक्डइन पे बहुत अच्छी है प्रेजेंस है तो आपको बहुत हेल्प करेगी. विच कैमरा यू आर यूजिंग. आई एम यूजिंग माई लैपटॉप कैमरा फिलहाल. Kindly tell basic for content writing interview. Interview के लिए आपको अगेन मैं वही बातें करूंगी. इंटरव्यू के लिए आपको बेसिक चीजें सारी अपने बारे में नहीं बतानी. इंटरव्यू में फोकस ऑन द क्लाइंट. आप बजाय इसके कि आप ये बताएं मैं ये करती हूँ मेरा इतना एक्सपीरियंस है. डोंट स्टार्ट विद दैट. कभी भी नहीं. डोंट गो विद माय नेम इज दिस, माय एक्सपीरियंस इज दिस और मैं ये करती हूँ इतने साल हो गए. नेवर गो दैट. आप डायरेक्टली उसके प्रोजेक्ट के बारे में क्वेश्चनिंग करें. उसको थोड़ा आइडिया हो जाए कि हाँ दिस पर्सन इज प्रोफेशनल. वो आपका प्रॉब्लम पूछ रहा है, उसके बाद उसको हिंट दे दें सोल्यूशन का. पूरा सोल्यूशन मत बताएं. अगर इफ यू आर समवन के जो आप टेक्निकल फील्ड में है तो आप उसको पूरी की पूरी चीट शीट आप प्रोवाइड कर दें. आप उसको हिंट्स दें जिससे उसको आइडिया हो जाए कि यू नो द सोल्यूशन. तो उसको बहुत चांसेस हो जाएंगे कि वो आपको हायर करेगा. बेस्ट नीश इन कॉपी राइटिंग ओनली नेम प्लीज. अच्छा, कॉपी राइटिंग में इफ यू आर स्टार्टिंग आप ब्लॉग पोस्ट से, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन से और सोशल मीडिया कैप्शन से स्टार्ट करें. दे आर इजी टू लर्न. उसमें आपको ब्लॉग पोस्ट तो बहुत मतलब आसानी से हो जाते हैं कवर. आप ब्लॉग पोस्ट से और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन से स्टार्ट करें. सेकंड नंबर पे आप सोशल मीडिया कॉपीज और ईमेल कॉपीज पे आ सकते हैं. वो भी आसान है, वो इतनी मुश्किल नहीं होती. बेस्ट नीश. ओके, लिंक्डइन प्रोफाइल नाम लिख के मिल जाएगा आपको. थैंक यू, दिस सेशन वॉज वेरी हेल्पफुल. थैंक यू. टेल मी सम बेसिक्स ऑफ कॉपी राइटिंग टिप्स एंड ट्रैक टाइम्स ऑफ कैप्टिविटी.
बेसिक टिप्स, क्या टिप्स टिप्स कुछ नहीं होता आप लोगों को, अगेन वही सारी बातें हैं, आपने अपने आप को डिफरेंट करना है, अपने आप को यूनिक बनाना है, अपने प्लस पॉइंट्स ऐड करें जितने ज्यादा पॉसिबल हो सके, अपने ब्रांडिंग की तरफ फोकस करें, ये सारी चीजें आपके पोर्टफोलियो में बहुत 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 वैल्यू ऐड करती हैं। अगर आपकी लिंक्डइन पे, स्पेशली अगर आपका लिंक्डइन पे बहुत अच्छा प्रोफाइल है, आपकी ब्रांडिंग अच्छी है, आपको क्लाइंट मिलने के चांस बहुत बहुत बढ़ जाएंगे। इवन अगर आप क्लाइंट के साथ अपना लिंक्डइन प्रोफाइल शेयर कर दें, इवन If he, if like you got the client from Facebook group, आप उसके साथ ये शेयर करते हैं, उसको पता लग जाएगा हाँ this is the person who is professional, तो आपको बड़ा उसके साथ उसको नेल करने में बड़ा फायदा होगा। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे, बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, मैं एक मिनट भी चुप नहीं हुई, वैसे मैंने आई वॉज थिंकिंग हम इसको बहुत कॉन्वर्सेशन रखेंगे, बट बिकॉज हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा सा था, एक घंटे का था, तो उसमें अगर हम कॉन्वर्सेशनल करते तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाता था, तो इसलिए हाउ आई लर्न प्रोफेशनल इंग्लिश फॉर कॉपीराइटिंग। कॉपीराइटिंग के लिए आप यूट्यूब पे बहुत सारे कोर्सेज पढ़े हैं, एलेक्स के बहुत सारे हैं, उसके अलावा एलेक्सा के बहुत सारे हैं इस तरह के वीडियोस, और जो आपके साथ रिसोर्सेज लिंक स्टार ने शेयर करने हैं उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बल्कि वो तो एक फुल पैकेज ही है। अगर आप उसको ही कर लें, अगर आप वही सिर्फ कोर्स कर लेना, तो यू विल बी गुड टू गो एज अ कॉपी राइटर इन द मार्केटिंग। डू यू गेट मोस्ट ऑफ द लीड फ्रॉम, यस आई एम टोटली वर्किंग ऑन लिंक्डइन, मेरा अभी फिलहाल मेरा अपवर्क डेड है, फाइवर डेड है, मैं उस पर काम करना चाह रही हूँ लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा, तो आई नीड टू इन्वेस्ट सो मच ऑफ माई टाइम टू रिवैम्प माई अपवर्क एंड फाइवर प्रोफाइल, उसमें बड़ा टाइम लगेगा। अभी के लिए फिलहाल आई एम वर्किंग फ्रॉम लिंक्डइन, वी गॉट मेनी थिंग्स एंड लर्न ऑल्सो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, लेट्स रैप अप द सेशन, अब इसमें क्वेश्चन मैंने सारे ही कवर कर लिए हैं। एट द एंड लिंक स्टार के बारे में मैंने बहुत सारी चीजें बता दी हैं, इफ यू आर अ बिगिनर, इवन इफ यू आर एक्सपीरियंस्ड पर्सन और एक्सपीरियंस्ड डिजिटल क्रिएटर, आप क्रिएटर हैं, आप इन्फ्लुएंसर हैं, आप जो भी हैं, यू कैन यू शोकेस योर वर्क यूजिंग लिंक स्टार, आप इसको यूज करें। एंड अनदर न्यूज इज दैट लिंक स्टार इज गोइंग टू गिव अवे 1 year प्लान टू 1 person जो कि इस ग्रुप में से ही डिसाइड होंगे, लेकिन वो होगा इस तरह से कि जब आप लोगों को अपने आप असेसमेंट सबमिट कर देंगे, यू विल बी गिवन द सर्टिफिकेट्स फॉर दिस मास्टर क्लास, आपको इस मास्टर क्लास का सर्टिफिकेट मिलेगा, एंड यू कैन ऐड दैट सर्टिफिकेट टू योर लिंक्डइन प्रोफाइल एज वेल। आप लोग अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में ऐड कर लेंगे, उसके बाद एक रैंडमली सिलेक्शन के साथ गिव अवे होगा, जिसमें एक बंदे को लिंक स्टार का जो प्रो वर्जन है फॉर 1 year फ्री मिलेगा। तो आप लोग अपनी असेसमेंट जरूर सबमिट करिएगा, और उसके साथ साथ आप अपने सर्टिफिकेट्स भी ऐड करिएगा लिंक्डइन में लाजमी, और ताकि आपको लिंक स्टार पे एक्सेस मिल सके। आपको जिसको भी मिलेगी दैट पर्सन विल बी वेरी लकी, क्योंकि प्रो वर्जन के बहुत सारे फीचर्स हैं, अभी भी मैंने बहुत सारे यूटिलाइज नहीं किए हुए, मैंने इसको फिर से रिवैम्प करना है क्योंकि मैंने अपनी मेन सर्विसेज चेंज की हैं। तो देयर आर सो मच लाइक सेक्शंस यू कैन ऐड, आप बहुत सारे सेक्शंस ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। तो definitely best of luck for the giveaway as well, can you please let us know how did you start from it, that's another story, that's a long story, main usko nahi share kar sakti filhal, bahut I think we should revamp the session, aur main dekh leti hu if we have time, okay, so the time is up, so we can't cover more questions, अगर किसी का क्वेश्चन हुआ भी तो यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई इंस्टाग्राम, नॉट लिंक्डइन, लिंक्डइन पे बहुत मैसेजेस होते हैं, सो आई नॉट रिप्लाई ऑन लिंक्डइन, सो यू कैन रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम, वहां पे मैं रिप्लाई कर दूंगी। उसके अलावा इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू लिंक स्टार के कोई भी सेक्शन के बारे में, या आपको कोई सेक्शन आपको सेटअप नहीं करना आ रहा, कुछ आपको वॉलेट सेटअप करना नहीं आ रहा, आपको कुछ भी नहीं आ रहा, इफ यू वांट टू लर्न एनीथिंग अबाउट लिंकस्टार, यू कैन डेफिनेटली आस्क योर क्वेश्चंस इन द ग्रुप एज वेल एज फ्रॉम द एडमिन्स, आपको वो बहुत अच्छे से गाइड कर देंगे। एंड आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई थिंक Hi Rimsha, thank you so much for conducting this masterclass. Hi guys, I'm Ali. I am one of the co-founders at Linkstar. I am the chief operating officer as well. I mainly look over all the operations and product development at Linkstar. I'm extremely grateful to all of you and Rimsha in particular for joining us today, for going through this class. This was immensely helpful, and I hope you guys were able to learn a few things about copywriting. And if you're pursuing this as a career, this could definitely help you
improve, learn new things, try out new things, because there's so much happening in the world. We currently are working on advanced AI features for Linkstar, and we know how AI is currently revolutionizing this field. And a lot of people are coming up, and a lot of new people are joining this domain, this niche, and it's incredible the talent that Pakistan has in this. On front of Linkstar, my team would share with you the Notion board, which has all the resources that would be immensely helpful for you to learn a lot more new things about AI and how it's helping up with copywriting and different copywriting features. Furthermore, on completion of the assessment, you'd also get a participation certificate from us that you can add up on your LinkedIn profiles, and that would be very, very helpful for you in boosting up your credentials. Sorry. Furthermore, we would love to know if you are interested in learning anything more, anything in particular, any other classes that you guys are interested in. We have a lot planned for the rest of this month and the coming 2 months. We are very fast expanding in different countries such as UAE, Middle East, Southeast Asia. So we have a lot of interesting things coming up, and we would love to hear more from our users on how we could make the product more interesting for you, how we could add more features in the product for you, how we could add more masterclasses. From our historical experience, we've understood so far that people really enjoy masterclasses. They drive a lot of value from it. And we would love to do a lot more of these for you guys. So in your feedback forms, in your feedback sessions, do share with us what else do you want to learn? What are the particular features that you would going to get out of Linkstar? And we would be really, really happy to help you out with that. We would work a lot to get more masterclasses that could be helpful for you. In terms of this class, I think we're 15 minutes over time. Thank you everyone for joining. Really appreciate Ramesh for taking the time out for everyone today, for us today. Really, really thank you for that. And so just the last question that is there with regards to assessment. So the assessment is a very straightforward thing. You just have to create a LinkedIn post or an Instagram post using the two of the frameworks that Ramesh covered in this masterclass pretty extensively. One was BASS, but the other was IDA. So once you're done with the assessment, you'll be able to submit to us, and the team would send forward your certificates that would be issued to you. If you have any other questions, you feel free to reach out to us on email. You can feel free to reach out to my team on the group, and we would be there to help you out. So thank you. See you guys soon. And the recording for this would be made available as well. Okay. Thanks, guys. Okay, guys, that's all for today. Thank you so much for joining. Allah Hafiz.